नेटो, ये शब्द तो आपने हाल ही में टीवी और न्यूज़पेपर्स में सुना ही होगा, लेकिन दरअसल नेटो है क्या? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल सर्विलेंस ऑर्गेनाइजेशन है यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। इसका मतलब ये है कि ये सारी कंट्रीज शेयर करती है अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज काउंटर करने के लिए कोई भी ऐसी कंट्री को जो इनको इन्वोक करती है, और ये चीज नेटो के आर्टिकल 5 यानी कमिटमेंट क्लॉज के अंदर आती है। नेटो में अब तक कुल 30 कंट्रीज जुड़ी है और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 4 अप्रैल 1949, ठीक बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसको बनाने का मेन रीजन था सोवियत यूनियन का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। यूएस का ऐसा कहना था कि सोवियत यूनियन पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसका काउंटर करने के लिए ही नेटो का निर्माण हुआ था। नेटो के पूरे इतिहास में आर्टिकल 5 को सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया था 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बाद, लेकिन ऐसी सिमिलर कंडीशंस वापस पैदा हो सकती। आपको काफी टाइम से चल रहे रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में पता ही होगा, और अब तक रशिया यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेस्टर्न बैकर्स, यानी वो यूरोपियन कंट्रीज जो यूक्रेन की हेल्प कर रही है रशिया के इन्फ्लुएंस में ना आने के लिए। मगर रशिया यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाने का पूरा मन बना चुका है और उन्होंने यूक्रेन और नेटो के देशों को आगाह किया है कि अगर वो उनके खिलाफ होते हैं तो रशिया उन पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, और ये मजाक नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं।